अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का लुबना के किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी डिश लेकर आई हूँ जो शायद ही आपने कभी बनाई होगी या खाई होगी। तो देखिए, आप लोगों ने खीरे तो बहुत खाए होंगे सैलेड में, या ऐसे भी काट के खाए होंगे तो। लेकिन गोश में मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ खीरा गोश। तो इसके लिए ये मैंने तीन बड़े बड़े खीरे ले लिए हैं, और ये मेरे पास थोड़ा सा गोश है, और ये है हरी मिर्ची 4-5 अदद, एक बड़ी प्याज, एक बड़ा टमाटर। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हमने कुकर में गोश डाल दिया है, ये गोश मैंने धोकर ले लिया था। फिर इसी के साथ मैं डालूंगी इसमें तमाम टमाटर, प्याज और हरी मिर्ची। फिर इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, जिसमें लौंग, इलायची, काली मिर्ची और दालचीनी, और थोड़ी सी हल्दी 1/2 चम्मच, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा और 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, और हम तेल इसमें डालेंगे 2 भर के बड़े चम्मच, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे हमें गोश गलने तक सीटी देकर पकाना है। अब देखिए, ये मैंने उतार लिया है। इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी दही, और इसको डाल के हम भूनने के लिए चूल्हे पर रखेंगे। अब ये भी मैंने काट के रख लिए हैं, अगर कड़वा हो तो आप निकाल दीजिए, और बाकी इसी साइज़ के काट के रख लीजिए। देखिए, ये मैंने दही डाल के इसे अच्छी तरह भून लिया है, तरी भी ऊपर आ गई है। अब हमें इसमें ये पूरे खीरे डाल देंगे। इसे डाल के हमें अच्छी तरह चलाकर, और फिर हमें सीटी लगानी है। इसमें पानी नहीं डालेंगे हम, 2 सीटी आने पर इसे उतार लेंगे। ये मैंने पककर ये मेरा तैयार हो गया है। अब इस पर मैं हरा धनिया और हरी मिर्चें छिड़क दूंगी, और इस पर डाल दूंगी थोड़ा सा गरम मसाला। तो आप मेरे तरीके से बनाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी डिश को लाइक कीजिए, और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।